नाक जीवा त्वचा पूरी बॉडी के जो ऑर्गन्स है उसको बनाने का काम स्टेम सेल्स करता है। बराबर, पहले सेल्स बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। तो ये पहले के जमाने में हमारा जो स्टेम सेल था हमारे दादा परदादा संभाल के रखते थे। लेकिन मेरे यारों, मेरे दोस्तों, अभी भारत में एक स्टेम सेल थेरेपी आ गई है। स्टेम सेल थेरेपी क्या होती है कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जो स्टेम सेल की जो नाड़ होती है वो एक बैंक में प्रिजर्व की जाती है। जैसे ब्लड बैंक, आई बैंक होता है, वैसे ही लाइफ सेल नाम का एक बैंक होना है। और ऐश्वर्या राय बच्चन उस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर है। उसकी बच्ची जो है आराध्या, उसका नाड़ जो है स्टेम सेल्स को प्रिजर्व किया है। अभी श्रीमंत घराने के लोग, अमीर लोग लाखों रुपया सालाना खर्चा करके वो स्टेम सेल्स को प्रिजर्व कराते हैं। उसका फायदा क्या होता है, मान लो वो बच्चा बड़ा हो गया और उसे कोई दुर्लभ बीमारी हो गई, उसके सेल्स टिश्यू डैमेज हो गए उसका, क्योंकि पूरी बॉडी जो है 63 ट्रिलियन सेल्स से बनी है। सेल्स बनता है, फिर टिश्यू बनता है, फिर ऑर्गन बनता है। तो मान लो उसका अगर कोई गंभीर बीमारी हो गई तो डॉक्टर क्या करते हैं, वो स्टेम सेल्स बैंक में से स्टेम सेल्स निकालते हैं, इंजेक्शन में भरते हैं और उस बच्चे की कमर में इंजेक्शन डाल देते हैं। जैसे ही कमर में इंजेक्शन जाता है वो बॉडी में जाके स्कैनिंग करता है, उसके टिश्यू सेल्स को, डीएनए को मैच करता है और जहां जहां टिश्यू सेल्स डैमेज हुआ है उसको फिर से बनाने का काम करता है। आज ही ठीक सुना, उसको फिर से बनाने का काम करता है, रिक्रिएशन का काम करता है, रीजनरेशन का काम करता है। क्योंकि देखो, अगर उसी ने तो माँ की कोख में बच्चे को आकार दिया था, तो ये अभी नया थेरेपी है, स्टेम सेल थेरेपी। नए बच्चे पैदा होंगे उनको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन आपका और हमारा क्या, हमारा तो स्टेम सेल्स काट के फेंक दिया। तो लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं, हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने देखा कि जैसे मानव शरीर में स्टेम सेल्स होते हैं, वैसे सेम स्टेम सेल्स कुछ फ्रूट्स में होते हैं। जैसे स्विट्जरलैंड का ग्रीन एप्पल, ये आप देख सकते हो ग्रीन एप्पल, इसको अगर आप कट करेंगे तो ये 100 दिन तक काला नहीं पड़ता। तो हमारे साइंटिस्टों ने ऐसे ही मानव शरीर के जो मेल खाते हुए सेल्स है, वैसे फ्रूट्स में से, उसके अर्क में से, जैसे ग्रीन एप्पल, ब्लूबेरी, अकाई बेरी, कीवी, पपैया, ये जो फ्रूट्स है उसके अर्क में से स्टेम सेल निकालकर ये प्रोडक्ट पाउडर फॉर्म में बनाया है। अगर आप ये सुबह शाम जबान के नीचे आधा चम्मच रखते हो, या आप जूस के साथ लेते हो, या जबान के नीचे रखना है ब्रश किए बिना, और अपना जो लार होता है सलाइवा उसके साथ मिक्स करके इंटेक करो, ये भी बॉडी में जाके स्कैनिंग करेगा, टिश्यू सेल जो डैमेज हुए है उसको फिर से बनाने का काम करता है। तो ये नया साइंस है। तो ये 3,000 रुपये में एक के साथ एक फ्री है 200 ग्राम। उसके बाद ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर, मतलब त्रिगुना, थर्ड टाइम इसका पावर बढ़ाए, डबल स्टेम सेल है। तो ये ट्रिपल स्टेम सेल पाउडर, ये 6,000 रुपये में एक के साथ एक फ्री है। जितना दूध में हम शक्कर डालते हैं, शहद डालते हैं, दूध मीठा उतना ज़्यादा होता है। तो ये और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट है। आगे हम देखते हैं, कई लोग बोलते हैं हमको टैबलेट दे दो, तो टैबलेट भी है, ट्रिपल स्टेम सेल टैबलेट 4,000 रुपये में एक के साथ एक फ्री, और ड्रॉप फॉर्मुलेशन में भी है ट्रिपल स्टेम सेल ड्रॉप। तो ये जो प्रोडक्ट है, जब तक हम इसका चमत्कार नहीं देखते लोग नमस्कार करते नहीं। तो मैं आपको एक यहाँ पे एक डेमो दिखाता हूँ। ये एक सीरीज है, ये जो सीरीज है, नेगेटिव पॉजिटिव जब एक दूसरे को मिलता है तो करंट पास होके बल्ब चालू होता है। बराबर, अभी ये जो कांच का ग्लास है इसमें आरओ का पानी है। आरओ यानी क्या, रिवर्स ऑस्मोस सिस्टम। पानी को आरओ क्या करता है, कचरा वगैरह को साफ कर देता है, लेकिन पानी में जो मिनरल्स होता है उसको भी नष्ट कर देता है। यानी आरओ आज हम पी के कैंसर जैसे रोग को आमंत्रित कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सारी जो बीमारियां है वो क्यों होती है, क्योंकि मिनरल्स की कमी। अभी देखिए, एक कांच के ग्लास में आरओ का पानी है और मैं ये सीरीज इसमें डाल देता हूँ। करंट पास हो गया, बल्ब चालू होना चाहिए, लेकिन चालू होगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये डेड वाटर है, ये सिर्फ प्यास बुझाता है, इसमें मिनरल्स नहीं है। तो हमारा ये जो ट्रिपल स्टेम सेल्स ड्रॉप है, मैं इसके सिर्फ 2 बूंद इसमें डालता हूँ। अगर इसमें क्षमता है, इसमें ताकत है, तो ये बल्ब चालू हो जाएगा। देखिए, जैसे 2-3 बूंद गए ये बल्ब चालू हो गया। तो देखो, जब चमत्कार करते हैं तो लोग नमस्कार करते हैं। तो मेरे